वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं निगार और आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल में। गाइस आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं वन डे चैलेंज। जी हाँ, बट ये वन डे चैलेंज मैं कतई अपने ऊपर नहीं अप्लाई करने वाली हूं। ये चैलेंज मैं आज ले रही हूं अपने एक सब्सक्राइबर के ऊपर, वो भी मेल के ऊपर। जी हाँ, बहुत सारे बॉयज मुझे कमेंट करते हैं कि दी क्या आपकी रेमेडी मैं यूज कर सकता हूँ। तो आज ये वन डे चैलेंज जो मैं लेकर आई हूँ गाइस, इनके चेहरे पे बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा सन टैन है। धूप की वजह से इनकी स्किन बिल्कुल काली पड़ गई है। स्किन के ऊपर रैशेज भी हैं, स्किन के ऊपर एज स्पॉट भी हैं और नोज के ऊपर इनके बहुत सारे ब्लैक हेड्स भी हैं। टैन इतना जबरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैं इनकी स्किन दिखाऊंगी जिनके ऊपर मैं ट्राई करने वाली हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर देख रहे हैं पहली बार तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपको यहां पे जेन्युइन कंटेंट मिलता है और जो भी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूं देती है 100% रिजल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बाद में हम इसका फीडबैक भी उनसे पूछेंगे। तो यहाँ पे इनका फेस देखिए गाइस, इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग है और टैन की वजह से जिनका कलर था वो बिल्कुल दब चुका है और स्किन के ऊपर रैशेस भी हैं। इनकी स्किन के ऊपर इचिंग भी होती है, माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा टैन है और इनकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा डल है और नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी हैं। तो पूरा इनकी स्किन जो है ना गाइस वो ऑयली भी है। तो यहाँ पे इनकी स्किन को ध्यान में रखते हुए ही इनके ऊपर जो चैलेंज मैं करने वाली हूँ, सारी चीज़ें इनकी ऑयली स्किन को ध्यान में रखकर ही मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी स्किन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। इस पूरे वन डे चैलेंज में 3 स्टेप होने वाले हैं गाइस। फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्रब का। स्क्रब के लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, क्योंकि इनके फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, चावल का आटा इजिली उन्हें रिमूव करेगा। सेकेंड हम जो यूज़ करेंगे वो है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए कच्चा दूध बेस्ट रहता है। क्रीम वाला या बॉयल मिल्क हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 2 टीस्पून हमने कच्चा दूध ले लिया है। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एलोवेरा लीव्स का। फ्रेश एलोवेरा लीव्स हमें चाहिए, आप अगर चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। ये स्किन को सूदिंग देता है, स्किन को बिल्कुल से सॉफ्ट एंड सपल बनाता है और स्किन को ना रिलैक्स करता है, ठंडक देता है और यहाँ पे अगर स्किन के ऊपर बर्निंग या जलन है तो उनको भी शांत करता है। ठीक है, तो इसी राइस फ्लोर और जो हमने रॉ मिल्क लिया है उसके अंदर ये दोनों स्लाइसेस हम डिप करेंगे गाइस एलोवेरा के, और इनके फेस के ऊपर हम स्क्रब करने वाले हैं। इससे इनके फेस की जो टैनिंग है वो भी रिमूव होगी और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे स्क्रबिंग का काम करता है ये। तो सर्कुलर मोशन में गाइस हमें पहले फेस के ऊपर हल्के से मसाज करना है, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा हमने यूज़ किया है, उसके अंदर महीन ग्रेनुअल्स होते हैं, स्किन के ऊपर चुभ सकते हैं। तो आपको आइज एरिया को अवॉइड करते हुए पूरे फेस के ऊपर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से ये मसाज करना है। ठीक है, मसाज आपका इस तरह से होना चाहिए जैसे कि आप अपनी स्किन के ऊपर इसे पेनिट्रेट कर रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथों से करें, नेक को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक इनके फेस के ऊपर अच्छे से स्क्रब किया है गाइस, और स्क्रब करने के बाद हम सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस वक्त समर आ चुकी है। ठीक है, ठंडे पानी से ही हम इनके फेस को धोएंगे और इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करेंगे इनके फेस के ऊपर मसाज। इसके लिए आपको लेना है कॉफी पाउडर, यहाँ पे मैं नेस्कैफे का 2 रुपए वाला ही सेशे ले रही हूँ। ठीक है, एक पूरा 2 रुपए का सेशे ले लेना है हमें कॉफी पाउडर का गाइस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे, अगेन हम यहाँ पे एलोवेरा का पल्प लेने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लें और ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा को पहले आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, साइड से आप कांटे को कट कर देंगे और ये थोड़ा सा पल्प आप इसी के अंदर ऐड करेंगे। अगर आप फ्रेश वाला नहीं ले रही हैं, मार्केट वाला ले रही हैं, तो आधा चम्मच ही एलोवेरा जेल की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और इसको अच्छे से मैश कर लें गाइस, और इस एलोवेरा जेल को आप इसी कॉफ़ी में डाल देंगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं यहाँ पे गाइस, वो हम लेंगे शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर, जो हमारे किचन में होती है, मोटे दाने वाली हो तो थोड़ा सा आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, नहीं महीन दाने वाली शुगर आप ले लेंगी। सेकेंड जो हम यहाँ पे अब इसमें ऐड करने वाले हैं वो है टोमेटो जूस, जो कि स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है। आधा आपको इस तरह से टमाटर ले लेना है गाइस, और ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसको अच्छे से आप स्पून की हेल्प से मैश कर लें और इस सॉल्यूशन को आप रखेंगी टोमेटो के ऊपर। ठीक है,
इससे हम इनके फेस के ऊपर मसाज देंगे गाइस, ये टोटली आपकी स्किन के टैन को रिमूव करता है, मतलब इतना अमेजिंग काम करता है, चाहे जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग हो, डेड सेल्स हो, ये बिल्कुल झट से रिमूव करता है। अगर आपको दही सूट करता है, इनकी स्किन के ऊपर दही सूट नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पर दही नहीं लिया है। अगर आप इसमें खट्टे दही का इस्तेमाल करती हैं आधा चम्मच, तो ये आपके चेहरे से जितने भी सन टैन हैं, दाग धब्बे हैं, उनको रिमूव करता है, इंस्टेंटली रिजल्ट देता है स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए। सर्कुलर मोशन में हम इनके फेस के ऊपर 2 मिनट का मसाज देंगे गाइस, अच्छे से आप मसाज कर लीजिए अपने फेस के ऊपर। अब हम नॉर्मल ठंडे पानी से अगेन इनके फेस को वॉश करेंगे। अब हम थर्ड बनाएंगे फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए गाइस जिस इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत है वो है ग्राम फ्लोर यानी चने का आटा। 2 चम्मच आपको चने का आटा ले लेना है। नेक्स्ट हम इसमें 2 रुपए वाला कॉफ़ी का सैशे और ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर, और इसके बाद 2 चम्मच तकरीबन आपको कच्चा दूध ऐड कर देना है। यहाँ पे एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है आलू। कच्चे आलू का रस हमें इसमें ऐड करना है, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बहुत अमेजिंग काम करता है। ये हमारी स्किन को ब्लीच करता है, चेहरे की टैन को हटाता है, और आलू हमारे स्किन के दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। ठीक है, तो एक मीडियम साइज़ का आप आलू ले लें, और उसी आलू के रस में ये पेस्ट हम तैयार करने वाले हैं। पूरे आलू का रस आपको इसी के अंदर स्क्विश कर देना है। इनकी स्किन ऑयली है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। ठीक है, लेमन एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है गाइस, जो कि हमारी स्किन से टैन को निकालने के साथ ही साथ स्किन को अंदर से ब्लीच करता है और चेहरे को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगी। ये पैक आपका टैन रिमूवल पैक है, और ये स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग पैक है गाइज, जो सिर्फ आपके चेहरे से ही नहीं पूरी बॉडी के टैन को भी रिमूव करता है। ठीक है, इसे आप बनाकर फ्रिज में 4 से 5 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकती हैं। ठीक है, तो ये पैक अब हम इनके फेस के ऊपर लगाएंगे गाइस, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये पैक हम लगाने वाले हैं इनकी स्किन के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनकी स्किन के ऊपर गाइस, और यहाँ पे ये पैक ना बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है इनकी पिगमेंटेशन, इनके चेहरे के दाग के ऊपर, इनके जो सन बर्न है या फिर स्किन के ऊपर इचिंग होती है या फिर जो भी टैनिंग है इनके फेस के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पैक तैयार किया है। ठीक है, अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल है तो ये पैक अमेजिंग काम करने वाला है। ठीक है, पूरे फेस के ऊपर अच्छे से ये पैक आप लगा दें, आइज एरिया को आप अवॉइड कर देंगी, नेक के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल करें, नेक की टैनिंग भी आपकी इससे रिमूव होगी। अगर आपकी गर्दन काली है तो इस वनडे चैलेंज को इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब इतनी देर के लिए हमें छोड़ देना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर ये पैक गाइस तकरीबन 20 मिनट तक इन्होंने अपने फेस के ऊपर लगा के रखा, और ये पैक बिल्कुल से ड्राई होकर स्किन के ऊपर चिपक गया है। अब आप इसको डायरेक्ट वॉश नहीं करेंगी, यहाँ पे आपको हल्का कॉटन का गीला कपड़ा ले लेना है। ठीक है, और उसे ठंडे पानी में ही आप डिप करें, और चेहरे के ऊपर डैब डैब करते हुए पहले इस पैक को हम गीला कर लेंगे, ताकि ईजिली इनकी स्किन के ऊपर से ये पैक रिमूव हो पाए। तो मैंने बहुत अच्छे से इनके पैक को गीला कर दिया है गाइस, और अब कॉटन के कपड़े से इस पैक को हम हटाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आया है इनकी स्किन के ऊपर। यहाँ पे इस पैक को मैं गीले कपड़े से हटा रही हूँ गाइस, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आए हैं। आप साफ देख सकती होंगी इसकी इनकी जो स्किन है वो अंदर से बिल्कुल निखरी हुई निकल रही है। फेस के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा टैन था, वो गाइस बहुत ज़्यादा लाइटन हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा लाइटन और ब्राइटन नज़र आ रही है। साफ इस वनडे चैलेंज के रिजल्ट आप देख रही होंगी। ये वनडे चैलेंज मुझे कमाल का लगा इनके ऊपर, और मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई हूँ इनके फेस के ऊपर ये रिज़ल्ट देखकर। अगर आप इस वीडियो को बैक में ले जाएंगी तो वहाँ पे आपको जो इनकी स्किन के ऊपर डलनेस है, जो इनकी स्किन के ऊपर आपको सन टैन दिख रहा होगा ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि इनका फेस बिल्कुल ब्लैक दिख रहा होगा। बट यहाँ पे आप इनका फेस देख सकती हैं गाइज, बिल्कुल लाइटन दिख रहा है, स्किन के ऊपर शाइन दिख रही होगी, और गज़ब के रिजल्ट इस वनडे चैलेंज के आए हैं गाइज। अब मैं इनके फेस को ठंडे पानी से वॉश कराऊंगी, और यहाँ पे आप इनकी स्किन की लाइटनिंग और ब्राइटनिंग देख सकते हैं गाइस। कमाल का इस वनडे चैलेंज का रिजल्ट इनके फेस के ऊपर नजर आ रहा है। स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिख रही है, सपल दिख रही है, चिकनी दिख रही है, स्मूथ दिख रही है, और फेस के ऊपर शाइनिंग तो गजब की है। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, बट अभी इनसे भी पूछूंगी इन्हें क्या लग रहा है। या आप देख सकते हैं इनके फेस की पूरी टैनिंग बिल्कुल एक बार में ही रिमूव हुई है। ये वनडे चैलेंज का रिजल्ट कमाल का आया है गाइज, और आपको भी दिख रहा होगा ये वनडे चैलेंज मैंने अपने ऊपर नहीं, आपकी ही रिक्वेस्ट पे किसी और के ऊपर यानी अपने सब्सक्राइबर के ऊपर किया है।
जिसका रिजल्ट गाइस बहुत ही जबरदस्त आया है। तो चलिए अब इनसे पूछते हैं कि ये वनडे चैलेंज एक्सेप्ट करके इन्हें क्या रिजल्ट मिला और इन्हें कैसा लगा। ऑडियंस को आप बताइए कि आपको ये वनडे चैलेंज करके कैसा लगा। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो आपका ये वनडे चैलेंज है, क्योंकि इट वाज सो इफेक्टिव, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। चेहरा मेरा जो पहले की टैनिंग थी वो एकदम साफ हो गई है एक बार के ही इस्तेमाल से आपके। और अगर आपने इसको वनडे चैलेंज नाम दिया है तो आपके सारे सब्सक्राइबर से मेरा ये कहना है कि आप प्लीज़ इनकी ये रेमेडी यूज़ करें और इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। तो सब्सक्राइब द चैनल ब्यूटी विद निगार, थैंक यू सो मच। मेरे सब्सक्राइबर कितना ज़्यादा खुश थे कि उनकी स्किन के ऊपर जितना टैन था वो एक ही बार में निकल गया। ये था वनडे चैलेंज का वो रिजल्ट जो कि अनबिलीवेबल उनको मिला है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देखकर कि उनको मेरा जो चैलेंज था वो पसंद आया। और थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं गाइज और आप भी चाहती हैं आपकी स्किन निखर उठे नेचुरल रेमेडीज़ के घर की चीज़ों से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वहां पे भी शेयर करें। तो ये वनडे चैलेंज आपको कैसा लगा गाइस जरूर बताइएगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत सारा सन टैन है, स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस हैं, एज स्पॉट हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं और यहां तक कि अगर डार्क स्पॉट हैं और टैन की वजह से आपकी जो रंगत थी वो बिल्कुल दब गई है, तो इस वनडे चैलेंज को आप भी एक्सेप्ट कीजिए। ऑयली स्किन वालों के लिए ये वनडे चैलेंज बिल्कुल बेस्ट है। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।